दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइस रखी है 4 GB 64 GB वाली वेरिएंट की 11,500 रुपए। इसके अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह मैं बना चुका हूँ, उस टाइम मुझे पता नहीं था इसकी प्राइस का। मैंने वीडियो बनाई थी इसका प्राइस 10,000 रुपए के आसपास समझ कर, लेकिन प्राइस रखा 11,500 रुपए। चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको इन्फिनिक्स नोट 7 जो इसकी प्राइस 11,500 रुपए है, इसके हिसाब से इसमें 12 कमियां देखने को मिलती है। जी हाँ, पूरी 12 कमियां देखने को मिलती है। सेम इस प्राइस में हमें जरूर से ये कमियां देखने को नहीं मिलनी चाहिए थी। Redmi 9 Prime 10,000 रुपए की प्राइस में आता है, Poco M2 आता है 11,000 रुपए की प्राइस में। तो इन्फिनिक्स नोट 7 के साथ मैं उनका भी एक कंपेरिजन भी करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, जो इसमें कमियां है वो उनमें कमियां देखने को मिलती है नहीं मिलती है। हालांकि वो प्राइस में भी इससे काफी कम है, क्योंकि Redmi 9 Prime 10,000 की प्राइस में आ जाता है, और Poco M2 आप Redmi 9 Prime ही मान सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम देखने को मिलता है। 2 GB RAM ज्यादा मिलती है Poco M2 में, 6 GB का वेरियंट आपको मिल जाता है। तो साथ में आपको बताऊंगा कि उनमें ये कमियां देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, और इसमें ये कौन सी कमी है 12। तो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहली कमी की बात करें इन्फिनिक्स नोट 7 में, तो इसमें नॉइस कैंसिलेशन के लिए जो माइक होता है वो ही नहीं दिया है कंपनी, वही देना भूल गई। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो नॉइस कैंसिलेशन के लिए एक माइक होता है, ताकि हमारी बाहर की आवाज आगे ना जाए, लेकिन वो माइक ही नहीं दिया हुआ है। बात करें Redmi 9 Prime की, तो उसमें दो दो नॉइस कैंसिलेशन के लिए माइक देखने को मिल जाते हैं, नीचे भी और ऊपर की साइड में भी है। तो वो 10,000 में आता है, इसकी प्राइस 11,500 रुपए है। तो नॉइस कैंसिलेशन के लिए जो माइक होता है वो तो 5,000 रुपए के फोन में भी दिया हुआ होता है, जबकि 11,500 के फोन में हमें वही नहीं दिया हुआ है। दूसरी कमी, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलता है। नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम पे आप HD में वीडियो नहीं देख पाएंगे, जबकि Redmi 9 Prime में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है। जी हाँ, इसमें नहीं मिलता है। तीसरी कमी, LPDDR4 RAM टाइप है, 4X RAM टाइप नहीं है, जबकि Redmi 9 Prime में या Poco M2 दोनों फोन लगभग आप सेम मान सकते हैं, LPDDR4X की रैम देखने को मिलती है, इसमें 4X नहीं है। और चौथी कमी, eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। इस प्राइस में 11,500 में UFS 2.1 का स्टोरेज जरूर से देना चाहिए था। हालांकि ये Redmi 9 Prime में भी नहीं मिलता है UFS 2.1 का, लेकिन उसकी प्राइस 10,000 या 11,500 में तो जरूर से देना चाहिए था। और दोस्तों आगे जो तीन कमियां देखने को मिलती है वो मिलती है इसकी डिस्प्ले में। पहली कमी कि HD+ डिस्प्ले है, हालांकि बड़ा डिस्प्ले है 6.95 इंच का, लेकिन सिर्फ HD+ डिस्प्ले है 11,500 रुपए की प्राइस में, जबकि Redmi 9 Prime में 10,000 में फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। दूसरी कमी कि इसमें बताया गया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, लेकिन कौन से ग्लास की प्रोटेक्शन है ये बताया नहीं गया, जबकि Redmi 9 Prime में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है ये बताया गया है। तो जब यहाँ बताया नहीं गया कि कौन से ग्लास की प्रोटेक्शन है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटेक्शन एक किस्म से ना के बराबर है। क्या पता कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2 है, वन कौन सा है भी नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और डिस्प्ले में तीसरी कमी की ब्राइटनेस है इसकी, वो 480 nits है, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी में हम डिस्प्ले देखते हैं तो इतना सही से नहीं दिखता है, जबकि Redmi 9 Prime में 400 nits है, फिर भी डिस्प्ले सूरज की रोशनी में भी ठीक से दिखाई देता है। नौवीं कमी के 11,500 रुपए की प्राइस में हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, Type-C पोर्ट नहीं दिया है, जबकि 10,000 में Redmi 9 Prime में Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। ये बहुत बड़ी कमी हम मान सकते हैं, 11,500 रुपए में सिर्फ माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। और दसवीं कमी इसके रियर कैमरा में हमें देखने को मिलती है, हालांकि 4 कैमरे जरूर देखने को मिल जाते हैं, 48 मेगापिक्सल का भी कैमरा दे दिया है, जबकि Redmi 9 Prime में 13 मेगापिक्सल का है, लेकिन 4 कैमरे है, प्राइस 11,500 रुपए। तो अल्ट्रा वाइड का जो लेंस था वो नहीं दिया है, अल्ट्रा वाइड का सेंसर जरूर से देना ही चाहिए था, Redmi 9 Prime में भी मिलता है, उसके बजाय AI का एक लेंस दे दिया, वो किसी काम का नहीं है, अल्ट्रा वाइड का एक लेंस जरूर से देना चाहिए था इस प्राइस में। तो जो 48 मेगापिक्सल का उसकी क्वालिटी है, मान सकते हैं कि Redmi 9 Prime से थोड़ी बहुत अच्छी आ जाएगी, और जो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा है, Redmi 9 Prime में 8 मेगापिक्सल का है, तो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी आ जाएगी, लेकिन फिर भी 11,500 की प्राइस में अल्ट्रा वाइड का लेंस हमें जरूर से देना चाहिए था, अल्ट्रा वाइड की शॉट आप नहीं ले पाओगे। और जो 11वीं कमी है परफॉर्मेंस को लेकर, जब 10,000 में Redmi 9 Prime में मीडियाटेक हेलियो G80 का प्रोसेसर मिलता है, तो यहाँ पे 11,500 में क्यों नहीं मिलता, मीडियाटेक हेलियो G70 का प्रोसेसर मिलता है। हालांकि इतना कुछ बड़ा अंतर नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बेटर परफॉर्मेंस आपको G80 में मिलती है G70 की बजाय, तो इस प्राइस में G80 का प्रोसेसर जरूर से ही देना चाहिए था। और 12वीं कमी के P2i की कोटिंग तो हर एक फोन में दी जाती है, तो उसके बारे में भी इस फोन के लिए कहीं भी कुछ नहीं जिक्र किया गया, मतलब P2i की कोटिंग भी नहीं है, जबकि Redmi 9 Prime में हमें मिलती है, थोड़े बहुत पानी के छींटे लगते हैं तो हमारे फोन का कुछ बचाव हो जाता है, जबकि वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो दोस्तों 12 कमी हमें देखने को मिलती है 11,500 के फोन इन्फिनिक्स नोट 7 में, जबकि 10,000 के फोन रेडमी 9 प्राइम में हमें ये कमियां देखने को नहीं मिलती है। अब रेडमी 9 प्राइम से बेटर क्या मिलता है इन्फिनिक्स नोट 7 में? आप मान सकते हो कि बड़ा डिस्प्ले आपको चाहिए, हालांकि HD+ डिस्प्ले आपको लेना ही नहीं चाहिए 10,000 की प्राइस में भी, इसकी प्राइस तो 11,500 है, लेकिन बड़ा डिस्प्ले आप मान सकते हैं कि एक बड़ा डिस्प्ले है और साइड कंसोल के साथ आता है, जबकि रेडमी 9 प्राइम में वाटर ड्रॉप नोच है। बाकी एक आपको फास्ट चार्जर 18 वाट का बॉक्स में मिल जाता है, रेडमी 9 प्राइम में 10 वाट का मिलता है, फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, लेकिन ये हम कोई अंतर नहीं मान सकते क्योंकि उसकी प्राइस 10,000 है या 11,500 है। 500 रुपये लगाकर हम रेडमी 9 प्राइम के लिए चार्जर खरीद भी सकते हैं। और डिजाइन वगैरह वो दोनों में प्लास्टिक की बॉडी के साथ आते हैं, दोनों का ही डिजाइन वगैरह ठीक देखने को मिलता ही है। और कैमरे में चाहे रियर हो फ्रंट हो, आप मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है इन्फिनिक्स नोट 7 में। और एक और आप बेटर मान सकते हो कि इन्फिनिक्स नोट 7 में साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जबकि रेडमी 9 प्राइम में पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन दूं दोनों ही फोन के बारे में, तो 10,000 में रेडमी 9 प्राइम ले लीजिए या 11,000 में पोको M2 ले लीजिए, क्योंकि 2 GB रैम आपको ज्यादा मिल जाती है। इन्फिनिक्स नोट 7 11,500 रुपए में लेने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, क्योंकि 10,000 से ऊपर के फोन में HD डिस्प्ले वाला फोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, फुल HD प्लस डिस्प्ले जरूर से होना ही चाहिए। आप YouTube पे वीडियो वगैरह देखोगे तो HD प्लस वाले जो फोन होंगे डिस्प्ले वाले, उनमें आप 720p तक ही आप देख पाओगे, 1080p की जो क्वालिटी आती है वो आप नहीं देख पाओगे। तो Redmi 9 Prime काफी बेटर है, परफॉर्मेंस बेटर मिलती है, डिस्प्ले बेटर मिलती है, बाकी जो मैंने ये कितनी सारी कमियां बताई जो वहां देखने को मिलती है Redmi 9 Prime में देखने को नहीं मिलती है। तो इतना कैमरे वगैरह पे आप मत जाइए कि 48 मेगापिक्सल का है, इतना कुछ आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो पसंद आए प्लीज एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।